काशी बनारस यूं तो काशी विश्वनाथ की नगरी है, जहां हर एक गली में सैकड़ों मंदिर है जो भक्तों के आस्था का केंद्र है। जहां गंगा विराजमान है, जो मंदिर प्राचीन समय से देखे जा रहे थे, अब वे कई वर्षों से लुप्त हो गए हैं, क्योंकि ये सभी मंदिर अतिक्रमण की चपेट में आकर विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब यहाँ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि ये प्राचीन धरोहर फिर विश्व पर्यटन के रूप में पहचाने जा सके। आपको बता दें, विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी रित्ते आप इव काशीना संग्रभिता। पुराणों के अनुसार ये आदि वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया, तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ। किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहां ये घटना घटी, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। आज आपको दोपहर न्यूज की टीम अंकित मार्कंडे के साथ सीधे काशी से उन मंदिरों के दर्शन कराएगी, जिनके आपने काशी जाने पर भी दर्शन नहीं किए होंगे, क्योंकि ये बड़े और भव्य मंदिर अतिक्रमण की भेंट जो चढ़ा दिए गए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चंद रुपयों के लालच में लोगों ने मंदिरों पर अतिक्रमण करके उनकी पौराणिकता एवं भव्यता को समाप्त कर दिया और लाखों भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई है, जिन्हें अब प्रशासन एवं मंदिर ट्रस्ट की बड़ी कार्रवाई के कारण वो मंदिर हमारे सामने हैं, जिन्हें कई वर्षों से लोगों ने अपने घरों में छुपा कर रखा था। साथ ही कई मंदिरों के शिखर को तोड़कर लोगों ने अपने रहने के लिए मकान बना लिए और कुछ लोगों ने तो लाखों रुपए कमाने के लिए भव्य मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण करके मंदिरों को छिपाने के लिए रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस खोल दिए। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी स्वयं भगवान शिव की अलौकिक नगरी है, जहां सबसे ज्यादा प्राचीन और दिव्य मंदिर है। मंदिरों के पत्थरों के ऊपर उकेरी गई कलाकृति इस बात का सबूत है कि ये अति प्राचीन मंदिर है, जो आज के समय में इस प्रकार के भव्य मंदिर बनाना असंभव है। आपको बता दें, प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की बड़ी कार्रवाई से 3 महीने के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच आने वाले सारे घर जो अतिक्रमण में हैं, वे तोड़ दिए जाएंगे। दर्शकों के लिए बनारस से जो काशी विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ से हम एक छोटी सी रिपोर्ट लेकर के आए हैं कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में कई लोगों ने जो आडंबर बना करके रखा है, फैला करके रखा है, कई मंदिरों पर कब्जा करके रखा है। यहाँ कोई सांप्रदायिक वाली बात नहीं है, यहाँ पर कहीं ऐसे हिंदू घर भी हैं, कहीं ऐसे लोगों के घर भी है जहाँ पर बड़े बड़े भव्य मंदिर हुआ करते थे पहले, पूर्व काल, पहले प्राचीन कालों में जो मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों को लोगों ने अपना घर बना लिया है और वहाँ पर कई प्रकार से अतिक्रमण कर लिया है। पूरे बनारस शहर में अतिक्रमण देखने को मिलेगा। मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार और मंदिर ट्रस्ट के कारण ही आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है। आप देखें कि हमारी जब रिपोर्ट हम रिपोर्टिंग कर रहे थे पूरे शहर में, जब हमने पूरे शहर में देखा कि कई जगह जहाँ लोगों ने धर्मशालाएं बना करके रखी है, रेस्ट हाउस बना करके रखे हैं अपने रहने के लिए और किराए से देने के लिए, लोगों को पैसा कमाने के लिए, लोगों ने धन कमाने के लिए जो पुराने जो मंदिर बने हुए थे प्राचीन काल के, उन मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया है। मंदिरों के शिखर भी टूट चुके हैं और उन मंदिरों के दोनों बीचों साइड अपना घर बना करके, अपना निवास स्थान बना करके रखा है। उसी प्रकार एक मंदिर आप ये देखेंगे, यह मंदिर भी बहुत प्राचीन काल से है और बहुत प्राचीन मंदिर है। ये भी शिव जी का ही मंदिर है, जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से घर से कबर करके रखा था। घर के बीचों बीच दीवारें खड़ी करके इस मंदिर को छुपा दिया गया कि ताकि किसी को, शासन को या प्रशासन को पता नहीं चले कि यहाँ पर मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना पुराना और भव्य प्राचीन मंदिर है। मंदिर की और प्राचीन जगह को कई लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है और उस पर अपना आधिपत्य जमा करके रखा है। दोपहर न्यूज के लिए काशी बनारस से अंकित मार्कंडे की खास रिपोर्ट।